तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों देखना, सर की पोजीशन, पहले तो हम पोजीशन देखते हैं कि सर की पोजीशन है कैसी, मतलब कितने बाल सर के गए हुए हैं और सर कितने टाइम से पैच यूज कर रहे हैं, और पैच भी यूज कर रहे हैं दोस्तों ग्लू वाला। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे भाई, कोई इन्फेक्शन या कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। एक बार सर से भी पता कर लेते हैं कि सर कितने दिन से यूज कर रहे हैं। सर कितने दिन से यूज कर रहे हो ग्लू वाला पैच? मैं 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल से यूज कर रहे हो। अभी तक स्कैल्प में आपके कोई दिक्कत आई है? कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत से दोस्त कहते हैं कि सर हमारा जख्म हो जाएगा, दाने हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये गलत फहमी है, जो लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं ना, वो गलत फहमी का शिकार होते हैं। बट जैसा कि मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देख लो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ भाई के पीछे से भी और इधर साइड से भी। ऐसा नहीं होगा कि भाई के पीछे से नहीं दिखाया, साइड से नहीं दिखाया, चारों साइड से आप देख लीजिए। ये देखिए, और स्कैल्प में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है सर के। भाई ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती हो या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। और बहुत लोग बोलते हैं कि भारीपन सा लगता हो, लाइक इचिंग होते हैं, ये सब कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इनके सर्विस भी इतने अच्छे, इनके ग्लू क्वालिटी भी इतने अच्छे होते हैं कि आपको बेफिक्र होकर पा सकते हो और विश्वास कर सकते हो। तो देखना दोस्तों के सर जो है हमारे पास काफी टाइम से आ रहे हैं। सर कम से कम 1.5 साल तो हो गया होगा आपको आते हुए, है ना। तो सर्विस भी आप यहीं से लेते हो, हमारे पास से ले रहे हैं। और पैच भी नया लगवा रहा हूँ आपसे। और देखो पैच भी नया लगवा रहे हैं। देखो भाई पैच की क्वालिटी दिखाओ भाई एक बार। देखो ये क्वालिटी है गाइस पैच की जो लग रही है भाई, बहुत बढ़िया पैच है। और ब्रांड में पैच है दोस्तों, इसका नाम नहीं बताऊंगा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि भाई नाम बता रहा हूँ ना, कंपनी वालों का प्रमोशन हो जाता है। कुछ नहीं देते भाई हमें, 1 रुपए की टॉफी तक नहीं देते, तो मैं उनका प्रमोशन बिल्कुल नहीं करूंगा बिल्कुल भी। सही बात है, ठीक है, मैं उनका प्रमोशन नहीं करूंगा 1% भी। तो दोस्तों लेकिन पैच अच्छी क्वालिटी में है। बाकी मैं अभी इसमें लगा के दिखाते हैं सर के, जो पैच का साइज लग रहा है भाई 9x7 का साइज लग रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी स्टार्ट करते हैं, बाकी धीरे धीरे आपको हम दिखाते रहेंगे, ठीक है गाइस। बाकी वीडियो के लास्ट तक जुड़े जरूर रहना हमसे पूरा। चलो पीछे हटना होगा, नहीं हो सके तो, ठीक है अब सही आएगा। चलो स्टार्ट। तो ये देखना दोस्तों जो है अब हम ग्लू लगा रहे हैं सर के, वो भी अल्ट्रा होल्ड ग्लू, कोई लोकल ग्लू नहीं है दोस्तों, और ब्रांड में ग्लू है ये भाई। लोकल ग्लू हम यूज नहीं करते भाई बिल्कुल भी, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब सर के हम ग्लू लगाते हैं स्कैल्प में, ये देखिए। और ग्लू लगाने से दोस्तों ऐसा नहीं होता कि भाई साइड इफेक्ट हो जाएगा। भाई लोकल प्रोडक्ट यूज नहीं करना कभी भी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। चाहे आप 1 साल 2 साल 10 साल कितने भी टाइम तक इसे लगाते रहिए, और इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये देखिए, तो देखना गाइस अभी जो है सर के हम लगा रहे हैं, ये पैच लगा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये देखना ग्लू के अंदर लगा रहे हैं भाई, जैसे कि आपको बताया भी था हमने, स्टार्टिंग में दिखाया भी था। और ये देखना गाइस काफी बढ़िया फिनिशिंग के साथ में होगा। और भाई पकड़ के भी खींचोगे ना इस तरीके से, तो भी आपका पैच नहीं निकलने वाला। ये मत सोचना कि भाई आपका पानी में या नहाते समय या बाइक पे या जिम जाने से या दौड़ लगाने से या डांस करने से आपका पैच गिर जाएगा नीचे। तो भाई इस गलत फहमी में दोस्तों मत रहना, क्योंकि ऐसा होता है कुछ दोस्त बोलते हैं कि भैया कहीं स्कूटर चलाएंगे हम तो उस पर पीछे तो नहीं गिर जाएगा। भाई ऐसे नहीं गिरेगा। अगर जैसे आपकी कहीं बाय चांस लड़ाई भी हो जाती है ना, कोई बाल पकड़ के भी खींचता है, तो भाई पैच फट सकता है लेकिन जल्दी से निकल नहीं सकता ग्लू के अंदर, इतनी ज्यादा मजबूती होती है दोस्तों इसमें। बाकी आपको कटिंग करके भी दिखाते हैं इसमें, ठीक है गाइस। वीडियो को जरा सा भी फास्ट करके नहीं दिखाएंगे कि जिससे कि भाई आपको मतलब समझ में ना आए बिल्कुल भी। देखो ऐसा ना भाई, समझना बहुत जरूरी है, और पूरी वीडियो देखने से क्या है उससे आपको पूरा पता भी चलेगा कि लुक कैसा आता है और किस तरीके से आपका काम होता है ये, ठीक है। बाकी आपको ड्राई सेटिंग करके भी दिखाएंगे अभी। तो देखना गाइस सर का जो फाइनली काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद में अभी थोड़ा सा फिनिशिंग तो भाई फ्रंट से देखो, फ्रंट से बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है, तो सबसे पहले फ्रंट से देखो भाई के फ्रंट से ये देखिए, ठीक है। साइड से भी देख लीजिए, ये देखिए,
इधर पीछे से भी देख लीजिए भाई ये कैसी फिनिशिंग आ रही है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे गाइस। ठीक है, बाकी एक बार सर से भी पता कर लेते हैं कि सर को लुक कैसा लगा भाई, थोड़ा सा पास में लेके आओ कैमरामैन। तो सर एक बार बताएंगे इनके दोस्तों को हमारे के लुक कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया, मतलब स्टाइल जो पहले पैच लगा था उसमें कुछ कैसा लग रहा है स्टाइल? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कोई मतलब ज्यादा और तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया है। तो देखना गाइस सर को भाई स्टाइल काफी पसंद आया है, तो आप भी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास में विजिट करिए, हमारी शॉप है दिल्ली भजनपुरा में पेट्रोल पंप के ठीक सामने, हमारे सामने है मेट्रो का पिलर नंबर 86 है दोस्तों, ध्यान रखना 86। ठीक है, इसके ऊपर के साइड देखेंगे तो हमारा बोर्ड लग रहा है नाइस हेयर विक, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हमारी शॉप खुली रहती है, मंगलवार में दोस्तों छुट्टी होती है, मंगलवार में कभी भी नहीं आइएगा, और अगर कभी आना हो इमरजेंसी तो आप एक दिन पहले या दो दिन पहले आप कॉल कर लीजिएगा जिससे कि हम मिल जाए। ठीक है गाइस, बाकी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप पैच यूज करते हैं और यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों हमारी बहुत सारी वीडियो डली हुई है यूट्यूब के ऊपर परवेज हेयर के नाम से, जिसपे आप ये देख रहे हैं, तो उसमें हर चीज का सलूशन बताया गया है कि भाई किस पैच को कैसे यूज करना है, क्योंकि काफी सारे पैच होते हैं भाई जिन्हें के नाम है आप यूज करने नहीं कर पाते हैं, उसमें काफी सारी प्रॉब्लम आती है आपको। तो ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। ठीक है गाइस, चलते हैं बस।